Hi dear students, today I am going to tell you about process of technical communication. Communication does not happen haphazardly or passively. Communication जो है वो लापरवाही से या निष्क्रियतापूर्वक नहीं किया जाता है, नहीं हो सकता है. It is a multidimensional, dynamic and interactive process. और ये जो बहुआयामी, सक्रिय और पारस्परिक प्रक्रिया होती है, यानी कम्युनिकेशन, इट इज इंटरेक्टिव एज इट इज नॉट पैसिव एंड डज नॉट जस्ट हैपन. यानी ये पारस्परिक संवेदना होती है, संवेदात्मक होती है और ये निष्क्रिय हो जाता है. अगर पारस्परिक जो संवेदना है वो हम अच्छी तरह से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं तो कम्युनिकेशन निष्क्रिय हो जाता है. टू इंडिविजुअल्स यानी दो व्यक्ति जो भाग ले रहे होते हैं इसमें, टेक पार्ट एक्टिवली टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम. आपस में जो अंडरस्टैंडिंग है, जो समझ है, उसको गतिशील करने के लिए, उसको डेवलप करने के लिए, तो इसमें दो व्यक्ति की आवश्यकता पड़ती है या दो से अधिक जो यानी टू इंडिविजुअल थी. इसके अलावा हम पारस्परिक जो अपने अंदर का जो संचार होता है, यानी अपने आप से भी जो संचार करते हैं, यानी कम्युनिकेशन करने के पहले हम अपने आंतरिक मेंटली जो भी विचार करते हैं, विचार करने के बाद सोच के कम्युनिकेट करते हैं, तो उसका भी बड़ा महत्व होता है कम्युनिकेशन के लिए. इट्स डायनेमिक या गतिशील है बिकॉज इट इंक्लूड्स अ वैरायटी ऑफ फोर्सेस एंड एक्टिविटीज ओवर द टाइम. क्योंकि समय के दौरान जो है ये इसकी जो प्रक्रिया है वो लगातार चलती रहती है, तो कम्युनिकेशन जो है वो गतिशील प्रक्रिया है. इट इंक्लूड्स फाइव स्टेप्स एंड विदाउट दीज स्टेप्स इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द प्रोसेस टू बी कम्प्लीटेड. और इसमें जो है पांच जो स्टेप्स हैं, जो कदम हैं, इसमें भाग लेते हैं, इसकी कदम होते हैं जो कम्युनिकेशन प्रक्रिया के दौरान, तो इसके बिना ये संभव नहीं है, प्रक्रिया संभव नहीं है. कौन कौन से हैं? द कम्युनिकेशन प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ अ मैसेज बीइंग सेंट एंड रिसीव्ड. कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया होती है इसमें जो मैसेज सेंट किया जाता है और जो प्राप्त किया जाता है, ये दोनों बहुत मायने रखते हैं, इनका बड़ा ही महत्व होता है. द मैसेज में भी वर्बल जो मैसेज होता है वो सांकेतिक होता है और नॉन वर्बल यानी मौखिक. वर्बल मीन्स मौखिक और नॉन वर्बल मीन्स सांकेतिक, यानी मौखिक और सांकेतिक दोनों हो सकता है. द एलिमेंट ऑफ फीडबैक इज टू इंश्योर दैट द मैसेज सेंट वाज रिसीव्ड एग्जैक्टली एज इंटेंडेड. यानी जैसी आपकी इंटेंशन जैसा होता है, जैसा आप चाहते हैं कम्युनिकेशन के दौरान आप मैसेज को भेजना या प्रस्तुत करना सामने वाले के पास, तो जिसके ऊपर ये बहुत ज़्यादा जो प्रतिपुष्टि होती है वो निर्भर करती है. द फाइव स्टेप्स ऑफ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन आर, यानी संचार की जो प्रक्रिया है उसके जो फाइव स्टेप्स हैं, यानी पांच चरणों में जो संपन्न होती है प्रक्रिया, वो हैं आइडिएशन, इनकोडिंग, ट्रांसमिशन, डिकोडिंग एंड फीडबैक और रिस्पॉन्स. इसमें जो है आप सर्किल के द्वारा देख रहे हैं, पहले नंबर पे है आपका आइडिएशन, दूसरे नंबर पे है इनकोडिंग और तीसरे नंबर पर ट्रांसमिशन, चौथे पर डिकोडिंग, पांचवा फीडबैक. यानी आइडिएशन मतलब विचार और इनकोडिंग मीन्स संकेतन, ट्रांसमिशन का मतलब होता है हस्तांतरण, डिकोडिंग का मतलब होता है समझाना, समझना, और रिस्पांस और फीडबैक का मतलब होता है प्रतिपुष्टि, यानी जो आपके सामने वाले से उत्तर प्राप्त होता है. तो ये प्रोसेस ऑफ टेक्निकल कम्युनिकेशन के जो पांच चरण हैं इसको हमने बताया, जिनकी आवश्यकता पड़ती है. इसको और डिटेल्ड में नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा पांचों के बारे में. तो तब तक के लिए चिल्ड्रेन गुड बाय.